दोस्तों, आज फिर एक और एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आए हैं एमजी पे, एमजी मॉरिस गैरेज के शोरूम पे आए हैं चंद्रपुर सिटी के अंदर। चंद्रपुर में आपका ये शोरूम पड़ता है। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं वो मॉरिस गैरेज की तरफ से आने वाली मॉरिस गैरेज की गाड़ी एस्टर है। एस्टर के टॉप मॉडल जो सबसे टॉप इसमें आता है उसका हम पूरा ओवरऑल रिव्यू करने वाले हैं। बाकी जितने इनके वेरियंट हैं उनके बारे में भी बात करेंगे थोड़ी थोड़ी। उनके बारे में मैं आपको प्राइस, वारंटी और ऑन रोड सब सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। मॉरिस गैरेज की एस्टर गाड़ी का हम पूरा रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, एक बार आप चारों तरफ से गाड़ी का ओवरऑल व्यू देख ली। तो दोस्तों, ये आपके सामने खड़ी है मॉरिस गैरेज की तरफ से आने वाली एस्टर गाड़ी, जो कि इसका सबसे टॉप मॉडल की हम बात कर रहे हैं आपकी एस्टर सावी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हेडलाइट की। हेडलाइट जो इसमें दी गई है वो प्रोजेक्टर एलईडी विद डीआरएल हेडलाइट्स दिए गए हैं। दोनों साइड आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से। ये आपको ये जो नज़र आ रहे हैं ये आपके प्रोजेक्ट, ये आपके डीआरएल हो गए, साथ में यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स हो गए, साथ में आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स विद एलईडी मिलेंगी। नीचे आप देख पा रहे हैं ये फॉग लैंप्स, ये सिंपल आपको हेलोजन में दिए गए हैं। ये कॉर्निंग वाले फॉग लैंप दिए गए हैं, जिस साइड में आपकी गाड़ी टर्न होगी तो ये ऑटोमेटिक हाई बीम में जल जाते हैं। यह गाड़ी 360 कैमरा के साथ आती है, जिसमें आपको 5 कैमरे दिए गए हैं। इसका जो सबसे आगे का कैमरा है एक यहाँ पे, ये लोगो के नीचे दिया गया है। 2 कैमरे आपको, एक कैमरा आपको यहाँ दिया गया है। ये तीसरा कैमरा आपका डैश कैम हो गया, चौथा कैमरा आपका यहाँ हो गया और पांचवा कैमरा आपका यहाँ हो गया। 360 पूरा 360 कैमरा इस गाड़ी के अंदर दिया गया है। 5 कैमरों के साथ आपको अच्छे से अपनी गाड़ी का अंदर बैठे सब व्यू देख सकते हो। ड्यूल टोन मशीन कट अलॉय व्हील के साथ 17 इंची के इसमें टायर्स दिए गए हैं, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस है 185 mm। ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये गाड़ी आती है और इसमें फ्रंट और रियर दोनों चारों के चारों टायर में आपको डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। ये आपको ORVM में ही इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, साथ में रिक्वेस्ट सेंसर के साथ ये गाड़ी आती है। की बात करें तो कुछ इस प्रकार की दी गई है, जिसमें लॉक, अनलॉक और आपका बूट स्पेस खोलने, बूट खोलने के लिए भी इसी में दिया गया है। चारों डोर हैंडल आपके क्रोम में दिए गए हैं, साथ में आपका देख पा रहे इधर भी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, पूरा एक क्रोम यहाँ तक जाता है लास्ट तक। साथ में आपको गाड़ी के अंदर आपको स्मार्ट कीलेस एंट्री दी गई है। अब हम इस गाड़ी के विंडो की बात करने वाले हैं। आपको वन टच के साथ ये फ्रंट वाली ड्रायर वाली विंडो मिलती है, बाकी चारों पावर विंडो हैं। यहाँ से आपकी गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए दी गई है, जैसे आपकी टॉप सीट देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर सीट दी गई है, साथ में चारों के चारों सीटें आपको प्योर लेदर सीट दी गई हैं। अब दोस्तों, आप जो गाड़ी को देख पा रहे हैं कुछ इस तरह के आपको एसी के वेंट दिए गए हैं चारों। ये एसी के वेंट है चारों। इस तरह का कुछ म्यूजिक सिस्टम आपको गाड़ी के अंदर दिया गया है। ये आप इस गाड़ी का पूरा, गाड़ी की MID कुछ इस प्रकार की दी गई है। गाड़ी में ये सब आपको स्टेयरिंग कंट्रोल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको म्यूजिक के, मोबाइल के और ब्लूटूथ वगैरह के, इधर टोटल MID कंट्रोल्स गाड़ी के यहाँ दिए गए हैं। यहाँ पे आप जो गाड़ी के नीचे देख पा रहे हैं ये आपका लेफ्ट एंड राइट मिरर सेट करने के लिए, ये 1, 2, 3 आपकी हेडलाइट का बीम सेट करने के लिए दिया गया है। कुछ ये MG की तरफ से आता है आपका वॉइस कमांड सिस्टम दिया गया है। जैसे आप लेफ्ट राइट देखेंगे तो आपकी तरफ इसकी आंखें ऐसे घूमती है और साथ में आपके वॉइस कमांड के साथ सारा काम करता है गाड़ी के। पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप के साथ ये गाड़ी आती है। ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में नजर आ रहा है ये आपका क्रूज कंट्रोल के लिए दिया गया है। इसमें क्रूज कंट्रोल एडाप्टिव यूज हुआ है, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल यूज हुआ है इसका। जो इसका यूज ऐसे होता है कि अगर आप गाड़ी हाईवे पे चला रहे हो तो एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल में यूज कैसा रहता है कि जो एक स्पीड में अपन गाड़ी सेट कर दिए तो गाड़ी एक स्पीड से जाएगी। अगर आपके सामने कोई गाड़ी आती है, आपके सामने से कोई गाड़ी गई, उसकी स्पीड अगर कम होती है, अपने गाड़ी से कम होती है, तो अपनी गाड़ी ऑटोमेटिकली स्पीड कम कर देती है विदाउट ब्रेकिंग एंड विदाउट एक्सीलेटर। यानी कोई झटका इसमें नहीं आता, नहीं आता, ये ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली धीरे धीरे गाड़ी कंट्रोल में आ जाती है। कंट्रोल में आ जाती है, जैसे कि आगे वाली गाड़ी की स्पीड 80 की है, अपनी भी गाड़ी की स्पीड 100 की है, अगर धीरे धीरे आगे की गाड़ी कम करती है स्पीड, तो गाड़ी अपनी भी ऑटोमेटिक स्पीड कम कर देगी। तो इसके म्यूजिक में क्या क्या सिस्टम दिए गए आपके? म्यूजिक में सिस्टम जैसे कि MG का, वैसे तो जियो सावन आता है इसमें, जैसे कि इंटरनेट इनसाइट के लिए जानी जाती है अपनी गाड़ी MG की, जो जियो सावन का यूज होता है इसमें। आप अनलिमिटेड म्यूजिक प्ले कर सकते हैं इसमें। इसमें सिम डला हुआ है? ऑलरेडी एम्बेडेड सिम कार्ड डला हुआ है। 3 ईयर सब्सक्रिप्शन फ्री है। MID में क्या क्या नजर आता है? हाँ, MID में आपको जैसे कि स्पीड हो गया, RPM हो गया, और आप टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, आपकी गाड़ी किस यानी सर्विस का हो गया वो दिखाता है वहाँ पे। सर्विस आने वाली है वो दिखाती है। अगर गाड़ी में कुछ इशू है, इंजन का इशू है, तो वो दिखाता है। ट्रिप ए और बी हो गया? हाँ, ट्रिप भी दिखाती है। बाकी जो MID क्रूज कंट्रोल हो गया वो उसका सेटअप दिखाती है, जैसे कि अट्रैक्शन कंट्रोल का हो गया वो दिखाती है, हिल होल्ड कंट्रोल चालू है वो नहीं है वो दिखाती है, वो सब इसमें दिखाता है। टोटल एयर बैग कितने हैं गाड़ी? टोटल इसमें 6 एयर बैग आते हैं। 6 एयर बैग? हाँ, जो कि फ्रंट साइड में 2 एयर बैग रहेंगे और साइड में कर्टन्स एयर बैग 2 रहेंगे, और जो फ्रंटल सीट है उसमें 2 एयर बैग आएंगे। टोटल 6 एयर बैग है। ये सामने जो यूज किया गया है, ये लेदर का यूज किया गया गाड़ी? जी, सॉफ्ट टच यूज किया है इसमें। हाँ, ये पूरा सॉफ्ट टच रहेगा, ये वाला पूरा सॉफ्ट टच लेदर। इसमें दोस्तों सिंपल IRVM दिया गया, ऑटो डिमिंग वाला नहीं दिया गया, ये हाथ से ही आप ऐसे कर सकते हैं, वो वाला दिया गया। और डैश कैम यूज करने के लिए ये पॉइंट इधर दिया गया। तो वो ये जो एयर बैग का दिखा रहा है साइन, इसमें क्या होता है, इसमें 6 एयर बैग है, लेकिन आप जो फ्रंटल एयर बैग है जो को ड्राइवर साइड वाली, उसका बंद करके रख सकते हो। इसमें क्या होता है कि इसका यूज कैसे होता है कि जैसे कोई बच्चा वगैरह बैठता है साइड में विदाउट चाइल्ड सीट, तो क्या होता है कि उसको वो डैमेज कर देती है फ्रंटल एयर बैग, तो आप इसको बंद कर सकते हैं। यह जो आप देख पा रहे हो दोस्तों वैनिटी मिरर के साथ, ये भी और ये लेफ्ट वाला भी, ये दोनों आपको मिरर के साथ मिलते हैं। दोस्तों ये आप ये जो म्यूजिक सिस्टम के नीचे देख पा रहे हैं, ये आपको देख पा रहे हैं, ये दोनों आपके मोबाइल चार्जिंग के लिए 2 पॉइंट यहाँ पे, ये 12 वोल्ट की सॉकेट, एक सॉकेट आपको डैश कैम के लिए यहाँ पे दी गई है, और 2 सॉकेट पीछे दी गई है। टोटल इसमें 3 और 2 पीछे 5 और एक यहाँ पे 6 पॉइंट दिए गए हैं टोटल चार्जिंग के लिए। आपको इस गाड़ी के अंदर ऑटो AC दिया गया है, और ये जो देख पा रहे हैं आप, टोटल पूरी की पूरी सीट पे ये देख पा रहे हैं दोस्तों पेनारोमिक 90% पूरी 90% इनकी ये सनरूफ खुल जाती है, ये आप देखिए। इसका जो सनरूफ दिया गया वो वॉइस कमांड पे काम करता है, आप अभी देखना, ये सर करके दिखाएंगे। हेलो एस्टर, आई एम लिसनिंग। ओपन सनरूफ। ये दोस्तों आप देख पाए होंगे कि वॉइस कमांड के द्वारा पूरा इनका सनरूफ खुल गया, और इसमें से आराम से 2 या 4 लोग आराम से इसमें से बाहर निकल सकते हैं। पूरा पैनारोमिक सनरूफ दिया गया है, अभी हम इसको आपको बंद करके दिखाएंगे वॉइस कमांड के द्वारा। और इसका जो वॉइस कमांड से भी बंद कर सकते हो, अगर आप मैनुअली इसका यूज करना चाहते हो तो मैनुअली भी इसका यूज कर सकते हो, उसमें भी स्टेप बाय स्टेप आप सनरूफ भी बंद कर सकते हो, जितना आपको ओपन करना है उतना भी आप ओपन कर सकते हो। ये अभी मैनुअल वाला आपको दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों म्यूजिक कंट्रोल में बटन होता ना, आपको जितना चाहे उतना आप देखो, थोड़ा थोड़ा करके भी इसको धीरे धीरे जितना आपका दिल करे आप उसको इतना जितना मर्जी खोल सकते हैं, जितना मर्जी इसको मैनुअल आप कंट्रोल यहाँ से कर सकते हो। ये तो हो गया आपकी पेनारोमिक सनरूफ की बात, 90% इस गाड़ी की छत में सनरूफ दी गई है, जो कि आपको वॉइस कमांड के द्वारा भी और आप इसको मैनुअल भी अपने हाथ से कर सकते हो। टोटल म्यूजिक सिस्टम में 4 स्पीकर और ये 2 आपके ट्यूटर दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग सिस्टम दिया गया है। मैं बताएं आप जी, ये जो वेरियंट आता है इसमें 8 स्पीड
सीवीटी यूज हुआ है जो कि आप पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव मोड पे भी डाल सकते हो। अगर आपको शिफ्टिंग और चाहिए तो आप स्पोर्ट्स मोड पे भी डाल सकते हो, जिसकी शिफ्टिंग मोड बोलते हैं इसको। ये शिफ्ट मोड है, आप यहाँ से भी गियर चेंज कर सकते हो बाद में। ओके, आप इसके म्यूजिक सिस्टम के बारे में बताइए, इसमें क्या क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या? जैसे अगर आप इसको देखे जाए तो सिस्टम व्हीकल सेटिंग में आपको फॉलो में हेडलैम्प आते हैं, जिसको आप 30 सेकंड, 60 सेकंड एंड 90 सेकंड के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि आप गाड़ी पार्किंग में लगा देते हो अपने, तो जाने के लिए कुछ अपने को टाइम चाहिए, अंधेरा है, तो उसका यूज कर सकते हो। आप जिस समय का सेट करेंगे वो समय तक के वो चालू रहेंगे। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आएगा यहाँ पे, अगर आपके गाड़ी में टायर प्रेशर कम है तो सिस्टम बता देगा कि टायर प्रेशर कम है करके, जैसे वॉइस कमांड भी बता देगा और MIDB भी पता चल जाएगा कि इसका एयर प्रेशर वगैरह कम है करके। स्टेयरिंग मोड्स आते हैं इसमें, जैसे कि नॉर्मल हो गया, डायनामिक हो गया, अर्बन हो गया। डायनामिक में होता क्या कि अगर आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो तो आप डायनामिक में डालेंगे तो स्टेयरिंग थोड़ा हार्ड हो जाएगा, और नॉर्मल में एकदम स्टेयरिंग नॉर्मल रहेंगी। जो अर्बन है थोड़ा लूज होगा, इससे डायनामिक से कम होगा इसमें। इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग आते हैं, जैसे कि आप इमरजेंसी ब्रेकिंग आती है गाड़ी में, आप इमरजेंसी ब्रेकिंग अलर्ट में भी रख सकते हैं और इमरजेंसी ब्रेकिंग के लिए भी चालू करके रख सकते हैं। जैसे कि आप जा रहे हो, रोड से जा रहे हो, तो पेडेस्ट्रियन के लिए भी इमरजेंसी ब्रेकिंग हो गए, इसमें आपको पेडेस्ट्रियन भी कैच कर लेता है। इसमें ये गाड़ी में टोटल 6 रडार्स एंड 5 कैमराज आते हैं। तो आप इसका यूज कैसे होगा कि आप गाड़ी रास्ते से जा रही, अगर आप 47 के स्पीड से हो तो 47 के स्पीड में होता क्या है कि गाड़ी ऑटोमेटिकली 0 पे आके स्टॉप हो जाएंगी। अगर आप 87 के स्पीड पे हो तो गाड़ी 40 के स्पीड से माइनस करेंगी स्पीड, उतना टाइम आपको इनफ होगा कि ब्रेकिंग करने के लिए। इसमें रियर ड्राइव असिस्ट आता है, लेन चेंज असिस्ट आता है। लेन चेंज असिस्ट का ये है कि आप अगर हाईवे पे जा रहे हो या रोड पे जा रहे हो तो आप पीछे से कोई व्हीकल्स आ रही है, तो इसमें क्या होता है कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइट्स आएगा। अगर पीछे से कोई 70 मीटर से गाड़ी आ रही है पीछे से, तो इसमें आपको ब्लिंक करेगा, ये ऑरेंज कलर का ब्लिंक करेगा लाइट्स, ये वाला बोथ साइड मिरर में दिए है अपने। रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट आता है, जिसमें आप 360 कैमरा यूज करके, एक बार आप इसका 360 कैमरा चालू करके दिखाओ जी, इसका 360 कैमरा ये हो गया फ्रंट साइड। ये दोस्तों आप इसका 360 कैमरा देख पा रहे हैं, बताइए। हाँ, ये हो गया इसका फ्रंट साइड, देन लेफ्ट साइड, रियर साइड एंड राइट साइड, और आप इसमें एक 3D कैमरा भी आता है। ओके, जिसको आप बर्ड आई व्यू बोल सकते हो। इसमें आपको पार्किंग के लिए या हेवी ट्रैफिक में, आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको इजी जाएंगे। ओके, और टुडे में आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। इसमें जो वाइपर्स आते हैं वो रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं, जिसमें आप ऑटो पे रख देंगे, अगर बारिश हो गई, बारिश अगर धीमी है तो वाइपर्स धीमे घूमेंगे, अगर आप बारिश एकदम स्पीड कर देती है तो वाइपर भी उसी के हिसाब से स्पीड सेट कर लेंगे अपना। ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर हो गए। इसमें आईकॉल का जो फीचर्स आता है, इसमें क्या होता है सर कि जैसे आप आईकॉल की बटन एक स्टेयरिंग पे स्टार करके, और यहाँ पे भी है, अगर ये बटन आप प्रेस कर देते हो तो डायरेक्ट MG को कॉल मैसेज जाता है, देन MG आपको खुद कॉल करके पूछेंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर आपकी गाड़ी रुक गई या आपको कुछ इश्यूज है, सर्विस से रिलेटेड हो गया, कुछ भी हो गया, गाड़ी का कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप इमरजेंसी के लिए आईकॉल यूज़ कर सकते हो। अभी दोस्तों मैंने ओवरऑल डिटेल में इसकी अंदर की जितनी भी आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, फिर भी एक बार आप गाड़ी का पूरा अंदर का व्यू देख लिए। ये आपका हैंड रेस्ट के लिए दिया गया है, इधर भी इसमें स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आपके कप होल्डर दिए गए हैं, और पूरी की पूरी आपको लेदर सीट इधर इसमें मिलेंगी। काफ़ी अच्छा स्पेस है, 5 लोग आराम से बैठ के इस गाड़ी में जा सकते हैं। कुछ इस तरह के का पीछे का आपको दरवाज़ा दिया गया, पीछे की सीट आप देख पा रहे कुछ ऐसी दी गई है। पीछे यहाँ पे आपको AC वेंट और 2 मोबाइल चार्जिंग के लिए दिया गया है। पीछे की दोनों सीट आपको 40-60 मिल जाएंगी, ये सीटें आपकी, और यहाँ पे आप ये बीच में आपको हैंड रेस्ट प्लस कप होल्डर के साथ ये हैंड रेस्ट आता है। 40-60 की ये सीट दी गई है आपकी।
राइट से देखने में दोस्तों कुछ गाड़ी इस तरह की नज़र आती है, जो कि आपका ये पेट्रोल मॉडल, और ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल में ही आती है, वेरिएंट अलग अलग है। इसमें आपको एडास का भी फीचर दिया गया है, एडास एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम होता है, जिसमें आप इमरजेंसी ब्रेकिंग हो गया, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया, पेडेस्ट्रियन की इमरजेंसी ब्रेकिंग हो गई, इसमें ये एडास में ऑटोनॉमस लेवल 2 में आता है। पीछे दोस्तों ये आप टेल लाइट देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह की इसमें एलईडी टेल लाइट दी गई है। साथ में आपको रियर वाइपर, डिफोगर, साथ में शार्क फिनिश वाला एंटीना, और इस तरह की सिल्वर कलर में रूफ रेल देखने को मिल जाएंगी। मैंने आपको वैसे तो पूरा सनरूफ दिखा दिया था, लेकिन आप जो ये सनरूफ देख रहे हैं 90% आप देख पा रहे होंगे, 90% इसमें सनरूफ दी गई है, जिसमें 3 से 4 लोग आराम से बाहर निकल जाते हैं। ये आपको गाड़ी का साइलेंसर इधर दिया गया है, सॉरी दोस्तों ग्लव बॉक्स मैं दिखाना भूल गया था, कुछ इस तरह का इसमें सिंपल सा एक इतने स्पेस के साथ आपका ग्लव बॉक्स आता है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये बूट स्पेस आप देख पा रहे हैं, कुछ इतना करीबन मेरे हिसाब से 400 के आसपास के इसमें आपको बूट 400 लीटर के आसपास बूट स्पेस मिल जाएगा। इधर ये आप देख पा रहे हैं पीछे इसमें लाइट भी दी गई है, तो स्पेयर टायर दिया गया है 16 इंच सिंपल रिम वाला दिया गया है, और ये साथ में आपको टूल दिया गया है, ये बूट स्पेस, और साथ में दोस्तों ऐसे पार्सल ट्रे इस प्रकार की दी गई है गाड़ी के अंदर, आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों आपने गाड़ी का अंदर और बाहर का टोटल व्यू देख लिया है, अभी हम इस गाड़ी के प्राइस, शोरूम प्राइस की, ऑन रोड प्राइस की बात करेंगे, और अलग अलग वेरिएंट में कौन कौन से वेरिएंट में गाड़ी आती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो दोस्तों आप देख पा रहे गाड़ी का इंजन कुछ इस प्रकार का दिया गया है, ये आप देख सकते हैं इंजन 1.5 सीवीटी में आता है, 8 स्पीड सीवीटी आती है। हाँ अगर आप मैनुअल में जाओगे तो 1.5 मैनुअल में, मैनुअल ट्रांसमिशन में आ जाएंगे। 1.5 सीवीटी में आप देखोगे तो 110 का पावर रहेगा और 144 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क रहेगा। और इसके प्राइस की बात करें तो इस गाड़ी का शोरूम एक्स शोरूम प्राइस क्या है? हाँ एक शोरूम प्राइस अगर आप ये वाला मॉडल देख रहे हैं सैवी में, तो सैवी में इसका एक्स शोरूम प्राइस रहेगा 16,12,000 रुपीज, 16,12,000 रुपये शोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस क्या रहेगा? ऑन रोड प्राइस जाएंगे इसका 19,32,916 रुपीज, ऑन रोड प्राइस है 19,32,916 रुपये। ऑन रोड प्राइस में दोस्तों 3 ईयर के लिए इंश्योरेंस भी इंक्लूड है, जो आपको 1 ईयर के लिए फुल इंश्योरेंस, 2 ईयर के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिलता है। टोटल सर्विस इसमें 5 सर्विस होती है, जो 2 सर्विस होती है वो जनरल चेकअप की होती है, एंड जो 1 ईयर के बाद वो अपन 10,000 पे जो सर्विसिंग करते हैं, एंड 10,000 पे ही उसकी सर्विसिंग होती है। आपको इसमें 3 ईयर्स एंड 30,000 किलोमीटर के लिए जो भी पहले आए उसमें आपको सर्विसिंग फ्री रहेंगी, ऑलमोस्ट 3 सर्विस फ्री हुई फ्री रहेंगी, एंड उसमें ऑयल के पैसे नहीं लगेंगे, जैसे कि ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, जो भी इसमें लुब्रिकेंट वगैरह चेंज होता है उसके आपको कॉस्ट नहीं पे करने पड़ते। 3 सर्विस बिल्कुल फ्री रहने वाली है दोस्तों, इसमें जो मर्जी फिल्टर चेंज होए, ऑयल चेंज होए, वो आपको 30,000 किलोमीटर या 3 साल के लिए आपकी सर्विस फ्री रहने वाली है, यानी 3 सर्विस आपकी बिल्कुल फ्री है। ये दोस्तों जो आप लिस्ट देख पा रहे हैं इसमें सभी मॉडल्स के अलग अलग वेरिएंट के ऑन रोड प्राइस, एक्स शोरूम प्राइस सब है, ये आप नोटिस कर लेना। ये मैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर में जो शोरूम है उसकी आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं तो आप आके शोरूम पे विजिट कर सकते हैं चंद्रपुर में। लोकेशन पूरा एड्रेस डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।